नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं किंग्समैन ई हब। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि रिलेटेड है वाइट स्टूडियो ऐप से। तो आजकल जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं या फिर पुराने यूट्यूबर्स हैं, सबको एक ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। वो ये है कि जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करते हैं और अपनी नई वीडियो पे कुछ भी चेंज करने जाते हैं, ये मैंने खोल लिया है, उसके बाद ये ऊपर पेंसिल वाला ऑप्शन है, मैं इसको टिक कर ले रहा हूँ। अब मैं इस पर अगर कुछ चेंज करना चाहूँ तो ये देख सकते हैं, मैं थंबनेल पे गया, चेंज किया, मेरे को ये लगाना मैं यही करूँगा, सेलेक्ट किया, उसके बाद भी देख रहे हैं आप ये सेव वाला ऑप्शन मैं दबा रहा हूँ लेकिन दब नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इनेबल नहीं हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम आज के वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि ये सेव ऑप्शन को इनेबल कैसे करें, इसे सेव कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा जो कि दो बार स्लाइड करने पे आपके सामने आ जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, कैटेगरी दिख रही है आपको, यहाँ पे मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरी वीडियो म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया है, तो म्यूज़िक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस दिखेगा, ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहा है कि यस इट्स मेड फॉर किड्स और दूसरा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करना है अगर आपकी वीडियो किड्स से रिलेटेड नहीं है, तो छोटे बच्चों से रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर से अपने बेसिक इन्फो में आ जाइए। थंबनेल अगर आपने चेंज किया तो चेंज कर लीजिए, वरना नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर आपको थंबनेल चेंज करना है तो एडिट थंबनेल पे आके चेंज के ऑप्शन पे जाके जो भी आपको थंबनेल लगाना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं सेव वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, सेव को मैं टच कर रहा हूँ बार बार बट ये सेव नहीं हो रहा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, हल्का फुल्का कोई भी डॉट लगा दीजिए या फिर कुछ भी लिख दीजिए, मैं इमोजी एक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दो बार बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद आपकी जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, मतलब ये जो पब्लिक देख रहे हैं आप, पब्लिक लिखा हुआ है, उसके नीचे टेक एंड म्यूज़िक है, तो मैंने टेक एंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मुझे इसमें ही डालना है अपनी वीडियो, ठीक है, ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने इसमें अपनी वीडियो जो है सेलेक्ट करके डाल दी, ठीक है। अगर आप डालना चाहे तो किसी भी प्लेलिस्ट को ऐड करके डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो वो आपके ऊपर है। तो ये सब चेंज करने के बाद आप देखेंगे ये जो सेव वाला ऑप्शन है, जो पहले थोड़ा सा धुंधला सा था, ब्लर सा था, अब वो ग्लो करने लग गया है। अब अगर मैं सेव ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सेव होने लग गया है। अब थोड़ी देर बाद ये देखिए, मेरा ये पूरा का पूरा सेव हो चुका है और मैंने जो भी इस वीडियो में कस्टमाइज़ किया है वो सारी चीज़ें दिखने लग गई हैं। आप YouTube पे जाके देखोगे तब भी आपको वहाँ भी यही सब दिखेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इस वीडियो के ज़रिए बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो सेव वाला ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाता है, तो इस नए वाले अपडेट में इसको कैसे इनेबल किया जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, नीचे जो लाल वाला बटन है उसे एक बार दबा दीजिएगा और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।